नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही इस्तीफा दिया, आलोचनाओं की झड़ी लग गई। लगातार आलोचनाएं होने लगी। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह कर्मा है, जिस तरह आपने हिंदुत्व को धोखा दिया है, यह उसका फल आपको प्राप्त हुआ है, यह कहते नजर आ रहे हैं कुछ लोग। और काफी समर्थक भी हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का दिल रख रहे हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं कि यह तो राजनीति का एक हिस्सा है। बड़ी बड़ी पार्टियों की सरकारें गिर गई, आपकी भी गिर गई, यह राजनीति का एकमात्र हिस्सा है, इसमें दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेगी, यह सोचा नहीं गया था। कांग्रेस भी आलोचना करती हुई नजर आ रही है, अब वह अपने बचाव में कर रही है, या वाकई में कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव था। बुधवार में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा फैसला लिया। बुधवार के दिन उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, क्योंकि नाम बदलने की राजनीति बहुत जोर शोर से चल रही है। तो उद्धव ठाकरे ने भी इसका फायदा उठाया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया और उस्मानाबाद का नाम धारा शिव रख दिया। इसको लेकर कांग्रेसी नेता का बयान आया है कि यदि हम विरोध करते इस बात का तो हिंदू जनता हमारे खिलाफ हो जाती, आलोचना करने लगती और विरोध और विद्रोह भी हो सकता था, लेकिन हम इस फैसले के साथ बिल्कुल नहीं थे, हमें साथ देना पड़ा, यह कहती नजर आ रही है कांग्रेस। अब वह आने वाले समय में बचाव कर रही है अपना, या उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई है जिससे कांग्रेस का अस्तित्व एक राज्य में और खत्म हो गया, तो अब वो भी लोगों की लाइन में लग गई है कांग्रेस, जैसे सभी आलोचना कर रहे हैं। और कांग्रेस और शिवसेना की विचारधाराएं वैसे भी अलग थी, तो इसी बात को फॉलो करते हुए क्या कांग्रेस उद्धव ठाकरे की आलोचना कर रही है, या फिर मुस्लिम समुदाय नाराज ना हो जाए कि कांग्रेस भी इस फैसले के साथ थी तो इसलिए आलोचना करती हुई नजर आ रही है। तमाम बातें हो सकती हैं इस बात को लेकर, लेकिन जिस तरह से नाम बदलने की राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने भी अपने हाथ साफ किए। लेकिन अपने हाथ साफ करते हुए यानी कि मुस्लिम समुदाय का एक लोहा लेते हुए, क्या मुस्लिम समुदाय तो नाराज होगा ही इस बात को लेकर, लोहा लेते हुए उन्होंने यह फैसला लिया इतना बड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदुत्व विरोधी कहा गया, हिंदू विरोधी कहा गया, तो आखिर उद्धव ठाकरे का यह करने का क्या फल निकला, क्या परिणाम निकला, यह सोचने वाली बात है। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।